इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सिग्नोफ्लेम टैबलेट का सेवन डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि एवं खुराक के अनुसार ही किया जाना चाहिए। पेट खराब होने से बचाने के लिए इसे खाने या दूध के साथ लेना चाहिए। दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। जब तक आपका डॉक्टर आपको यह न कहे कि इसे बंद करना सुरक्षित है, तब तक दवा को नियमित रूप से लेते रहना महत्वपूर्ण है। मतली, उल्टी, पेट दर्द, अपच, सीने में जलन, भूख न लगना और दस्त कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक इलाज के लिए इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर नियमित रूप से आपके गुर्दे की कार्यक्षमता, लीवर की कार्यक्षमता और रक्त घटकों के स्तर की निगरानी कर सकते हैं। लंबे समय तक उपयोग से पेट में रक्तस्राव और गुर्दे की समस्याओं जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो सिग्नोफ्लेम टैबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती है। सिग्नोफ्लेम टैबलेट के लाभ। दर्द से राहत। सिग्नोफ्लेम टैबलेट एक संयोजन दवा है जिसका उपयोग जोड़ों और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली स्थितियों में दर्द, सूजन और सूजन से थोड़े समय के लिए राहत के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संदेशवाहकों को अवरुद्ध करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में सेराटियोपेप्टिडेज नामक एक सक्रिय संघटक भी होता है जो एक एंजाइम है जो समग्र उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और रिकवरी को गति देता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बताए गए अनुसार लें। आवश्यकता से अधिक या अधिक समय न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। सामान्य तौर पर आपको कम से कम संभव समय के लिए सबसे कम खुराक लेनी चाहिए जो काम करती है। इससे आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बेहतर, अधिक सक्रिय, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। सिग्नोफ्लेम टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। सिग्नोफ्लेम के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, उल्टी करना, पेट दर्द, खट्टी डकार, पेट में जलन, भूख में कमी, दस्त। सिग्नोफ्लेम टैबलेट का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। सिग्नोफ्लेम टैबलेट को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।